नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गुरुवार यानी कि 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग गया। इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी काफी तस्वीरें भी सामने आई है जो बेहद खूबसूरत हैं। अब नासा ने भी कल के सूर्य ग्रहण की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। नासा ने ये तस्वीरें अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर की। 10 जून को लगे सूर्य ग्रहण को भारत में आंशिक रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। वहीं दुनिया भर में ये अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया में आंशिक रूप से देखा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दिया। अंतरिक्ष के घटनाक्रमों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये एक अभूतपूर्व घटना थी। 4 दिसंबर 2020 के बाद पहली बार सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा इस तरह से नजर आया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने से सूर्य पर एक छाया सी प्रकट हो गई, लेकिन चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाया और चंद्रमा की छाया के चारों तरफ सूर्य का प्रकाश एक गोले के रूप में दिखाई दिया। इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण 100 मिनट तक दिखाई दिया। कनाडा के ओंटेरियो शहर में सूर्योदय के साथ इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता चला गया। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड में अच्छी तरह से देखा गया और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध को पार करता हुआ ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में सूर्यास्त के साथ खत्म हुआ। सूर्य ग्रहण की पूरी 100 मिनट की अवधि में रिंग ऑफ फायर 3 मिनट 51 सेकंड तक देखा गया। नासा ने इस पूरे सूर्य ग्रहण की चुनिंदा तस्वीरें अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की। नासा ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, उत्तरी गोलार्ध के लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा, पूर्वी तट से खींची गई कुछ तस्वीरें। नासा ने लोगों से अपील की है कि वह स्वयं द्वारा खींची गई सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी शेयर करें। देखते ही देखते नासा के ट्वीट के जवाब में सैकड़ों लोगों ने सूर्य ग्रहण की दिलचस्प तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।